तो सीधे रुख करते हैं दिल्ली सेशन का विशेष सत्र आज बुलाया गया है और ये तस्वीरें वहां की। इन सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारतीय सेना को इस कायरतापूर्ण हमले का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि इस तरह का दुस्साहस दोबारा न हो सके। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से शहीद सैनिकों नायब सूबेदार परमजीत सिंह तथा हेड कांस्टेबल प्रेम सागर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, जैसा आप सबको ज्ञात है कि दिनांक 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की नक्सलवादियों ने निर्मम हत्या कर दी तथा इस हमले में 7 जवान घायल हो गए। ये सैनिक वहाँ सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा में तैनात थे। इन सैनिकों पर कायरतापूर्ण ढंग से यह हमला किया गया। वास्तव में घटना मानवता पर हमला है तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नक्सलवादी इस तरह की घटनाओं से देश में अस्थिरता कायम करना चाहते हैं लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय सुरक्षा बल विकट परिस्थितियों में भी सदैव देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और देश की सुरक्षा के अतिरिक्त देश के विकास के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति शांति। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, यह सदन के लिए हर्ष का विषय है कि रजौरी गार्डन विधानसभा सत्र से नवनिर्वाचित सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज पहली बार सदन में उपस्थित हुए हैं। हालांकि मेरे चैम्बर में आकर वो शपथ ले चुके थे पहले। माननीय सदस्य ने दिनांक 25 अप्रैल 2017 को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा कामना करता हूं कि जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह पालन करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा के पाँचवें सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत मैं पहले कर ही चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप शालीनतापूर्वक सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। यह बैठक भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है। अतः आप सबसे मेरा पहले ही यह अनुरोध है कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा न करें तथा मेरी अनुमति के बिना बोलना प्रारंभ न करें। सदन की मर्यादा बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए सदन में शोर शराबा न करें तथा नियम के दायरे में ही अपनी बात रखें। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करके सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाएगा तो मुझे विवश होकर उन्हें सदन से बाहर करना पड़ेगा। अतः सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि नियमों का पालन करेंगे। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे। मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा नियम 55 के अंतर्गत
अल्पकालिक चर्चा तथा नियम 59 के अंतर्गत कार्य स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सदन की यह बैठक भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए बुलाई गई है, अतः आज कार्य सूची में दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए उक्त सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूँ कि यदि आप सदन की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे तो मुझे विवश होना पड़ेगा और नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज परंपरा रही है कि माननीय सदस्यों का जिनका जन्मदिन रहता है बधाई दी जाती है, आज तो नहीं लेकिन कल 3 माननीय सदस्यों का जन्मदिन है। श्री गोपाल राय जी का मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, सोमनाथ भारती जी का उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, और श्री हजारीलाल जी का कल जन्मदिन है, शायद उनको याद नहीं है, चौंके हैं एकदम, उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा एक दिन एडवांस में काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आया है, काम रोको प्रस्ताव का विषय मैंने उसको स्वीकार देखिए विजेंद्र जी मैंने उसको स्वीकार किया सरकार का, मैं दस्तावेज लेकर आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं, 1 करोड़ हजार, 1000 करोड़ की जमीने मैंने उसको अलाउ नहीं किया, 200 बीघा जमीन मैंने उसको अलाउ नहीं किया, पेपर कोई बात नहीं, वो सीबीआई के पास जा रहा है भाई साहब, वो मैं इसको कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो देख रहे थे आप दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, उसकी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहले शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई और अब उसके बाद ये कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इसमें नियम का पालन किया जाए, ये सारी बातें कही गई है, और अगर कोई नियम अनुसार काम नहीं करता है या फिर कोई नियम तोड़ता है, हंगामा करता है, तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसमें नहीं, अगर ऐसा कुछ था, सिरसा जी मीडिया के माध्यम से सब जानकारियां चली गई, सिरसा जी मैं इसको डिसलाउ कर चुका हूं पहले ही, मुझे इसमें नियम का कोई चीज मुझे इसमें सम्मिलित नहीं दिखाई देती, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। विजेंद्र जी आपके इस नोटिस को मैं स्वीकार कर चुका हूं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइए। मैं कहना चाह रहा हूं, आप 2 मिनट बैठिए, विजेंद्र जी 2 मिनट बैठिए, आप बैठ जाइए 2 मिनट, सिरसा जी बैठिए प्लीज, जगदीश जी बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, विजेंद्र जी बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरे सामने जो विषय आज आया है, ये विषय भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया हुआ है 2011 में, और नहीं मेरे सामने जो विषय है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो विषय बहुत चर्चा का विषय है। नहीं विजेंद्र जी देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो हम सबसे जुड़ा विषय है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा, प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक वोटर से जुड़ा हुआ विषय है, वो लोकतंत्र का विषय है जो मेरे सामने आया है। आप बैठिए विजेंद्र जी, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठिए प्लीज, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठिए, मैं 2 बार चेतावनी दे चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बैठिए। सिरसा जी मैंने भी विनती की है, मैंने डिसअलाउ किया है और मैंने आपको आग्रह किया है कि मेरे सामने जो विषय आया है, नहीं मैंने दोनों में डिसअलाउ किया। नहीं देखिए सिरसा जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं डिसअलाउ कर चुका हूँ, आज जो विषय देखिए नियमानुसार मैंने डिसअलाउ, मैं इसमें बिल्कुल किसी तरह से सहमत नहीं हूँ, मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप बैठिए सिरसा जी, मैं विजेंद्र जी मैं डिसअलाउ कर चुका हूँ और मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी सिरसा जी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मुझे मजबूरन स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए विजेंद्र जी मैं डिसअलाउ कर चुका हूँ, प्लीज सिरसा जी बैठिए, देखिए प्लीज बैठिए, मैं आपको डिसअलाउ कर चुका हूँ, मैं अलाउ नहीं करूँगा। सुश्री अलका लांबा जी, नहीं
नहीं गंभीर से गंभीर मामला मैं ले रहा हूँ, ये बहुत गंभीर मामला है, पूरा लोकतंत्र देश का खर्चे में। आप बैठ गए इसमें, आप बैठ जाइए, आप ये दस्तावेज ले लीजिए। आप बैठ जाइए, वो मैं निर्णय लूंगा क्या करना है क्या नहीं। विजेंद्र जी आपने दे दिए, विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, अलका वो आप दो मिनट रुकिए ना जी, राखी जी दो मिनट रुकिए प्लीज। देखिए मेरा ये कहना है सिरसा जी, सदन नियम के अनुसार चलेगा। बे एक सेकंड बात सुनिए विजेंद्र जी, मैंने आपने पेपर, विजेंद्र जी आप सुनेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे, आप सुनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आप सुनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। ना तो आपने पेपर सीएम को देने की इजाजत ली, आप अपने आप कह रहे हैं ये सेक्रेटरी साहब को बोल के कह रहे हैं पेपर दीजिए, सदन इसी तरह चलेंगे क्या? लोकसभा को कभी चलते हुए देखा आपने? आप नेता विपक्ष हैं, नहीं आप नेता विपक्ष हैं, आपको सदन को चलाने का सलीका होना चाहिए। आप सीधा सेक्रेटरी से कह रहे हैं पेपर सीएम को दे दें, अध्यक्ष की कोई, अध्यक्ष की कोई मान्यता नहीं है, अध्यक्ष की चेयर की कोई मान्यता नहीं है क्या? कभी मैं, मेरा आपसे प्रार्थना है कभी लोकसभा को चलते हुए देख लीजिए, फिर उसके बाद बैठिए यहाँ पर, फिर उसके बाद बैठने का प्रयास करिए। नहीं आप सीधा सेक्रेटरी साहब को कह रहे हैं ये पेपर सीएम को दे दीजिए, अध्यक्ष की कोई जरूरत ही नहीं इस कुर्सी की। आपने आपने आपके आपके संज्ञान में आपके, नहीं बुरी नहीं, आप जब भी बात करते हैं असंवैधानिक करते हैं, आपको संविधान की मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं रहता। आप सीधा सेक्रेटरी से बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो पेपर उनको दे दीजिए। नहीं अब छोड़ दीजिए, अब ये कोई पेपर नहीं दिए जाएंगे, नहीं कोई, मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा हूँ, नहीं आई एम नॉट गिविंग परमिशन, नहीं प्लीज आई एम नॉट गिविंग द परमिशन, दिस इज नॉट द वे। ये आपको सदन ने कोई, नहीं सदन को आपने सड़क का मदारी बना दिया है। नहीं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं नहीं दे रहा हूँ, आई विल नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट नाउ। नहीं आपने पहले जो किया है उसको सुधारिए, आप सुधारते नहीं एक बार भी अपने आप को, आप कभी सुधारते नहीं। नहीं मैं नहीं दिलवा रहा हूँ, छोड़ दीजिए, आप मुझे दे दीजिए मैं दे दूंगा, लाइए मुझे, आप मुझे मुझे दे दीजिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे दे दीजिए मैं दे दूंगा। नहीं आप बैठिए आप प्लीज। सिरसा जी मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज पहला दिन है आपका, बैठिए, मुझे मजबूर मत करिए प्लीज, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, आपका पहला दिन है, मुझे मजबूर मत करिए प्लीज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप बैठिए, बैठ जाइए विजेंद्र जी। सुश्री अलका लामा जी, अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद, अभी बैठिए प्लीज, पर मैं आपका निवेदन भी आपसे करना, देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब करें प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा इसके लिए, मैं किसी मामले को नहीं दबा रहा, जो मामला ऑलरेडी मीडिया में चल रहा है दबा कहा है वो मामला, देखिए आप बैठ जाइए प्लीज। सिरसा जी, अध्यक्ष जी मेरा हाथ जोड़कर आप सिरसा जी बैठिए प्लीज, ये आवाज दब नहीं पाई इसकी, मैं विजेंद्र जी से, मैं विजेंद्र जी आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, मेरी लास्ट वार्निंग है ये प्लीज, विजेंद्र जी मेरी लास्ट वार्निंग है, मेरी लास्ट वार्निंग, आप बैठे, मैं डिसअलाउ कर चुका हूँ और मैं किसी कीमत पर कोई अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठिए, कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है, आप बैठिए प्लीज। नहीं आज सदन इसके लिए नहीं बुलाया, जिस बात के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है, आप बैठिए प्लीज। विजेंद्र जी मैं विजेंद्र जी को आज के पूरे दिन की, ठीक है बैठ जाइए, या तो बैठ जाइए आप, साइलेंट हो गए, मैं किसी कीमत पे अलाउ नहीं करूंगा, सदन के 15 मिनट खराब हो चुके हैं। सिरसा जी प्लीज, देखिए आज आपका पहला दिन है, विजेंद्र जी इस बात के आदि हैं, आप उस चीज में ना पड़े, मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज, दिस इज योर फर्स्ट डे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए सिरसा जी, बैठिए प्लीज, नहीं मैं कोई अलाउ नहीं, सिरसा जी बैठिए, सिरसा जी एक सेकंड, सिरसा जी ये बाहर भी विपक्ष की आवाज है और अंदर सत्ता की आवाज ये दबाना चाहता है। नहीं वो क्या करना है, मैं क्या करना, मैं देखूंगा। सिरसा जी आप बैठेंगे तो दो मिनट बैठेंगे,
सिरसा जी दो मिनट एक सेकंड के लिए बैठ गए प्लीज विजय, वो फिर वो खड़े हो गए, फिर आप खड़े हो गए विजेंद्र जी, एक सेकंड के बैठ रही है, आप एक सेकंड के लिए बैठ जाइए प्लीज, नहीं आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मुझे मजबूर मत करिए यार। मैं किसी कीमत पर अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठ जाइए। देखिए भाई सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द वे। आप दोनों शायद, मुझे लगता है आप दोनों तय करके आए हैं कि एक बार ये खड़ा होगा, एक बार मैं खड़ा होऊंगा, एक बार आप खड़े होंगे, मुझे लग रहा है आप दोनों तय करके आए हैं। नहीं आप बैठिए प्लीज बैठिए, आप दोनों तय करके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।